जय जोहार संगवारी हो, मैं हूँ दीपक और अभी हम आ गए हैं गिरौदपुरी धाम। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जन्मस्थली छाता पहाड़ और जोक नदी दिखाए थे, वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखें। अभी हम जा रहे हैं गिरौदपुरी धाम, तो यहाँ से हमको पैदल जाना होगा लगभग 2 किलोमीटर। आज मेला का पहला दिन है इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है, कल और परसों और ज़्यादा भीड़ रहेगा। तो यहाँ से एंट्री करना है, और मेले में दूर दूर से आए हुए हैं तो लोग यहाँ पर 3 दिन तक रुकेंगे, तो पूरा बोरिया बिस्तर है वो सारा लेकर आए हैं। कई लोग मन्नत मांगते हैं तो यहाँ पर इस तरह से लेते हुए जाते हैं मन्नत के रूप में। हेलो नमस्ते, कहाँ से हैं सर आप लोग? मैं खरौद से हूँ। अच्छा, आर्मी में हूँ, आपका ब्लॉग देखता हूँ हमेशा मैं, कश्मीर में रहते हुए भी आपका। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर अभी मार्केट में सेव, बूंदी, सलोनी मिक्सचर, सलोनी बड़ा, समोसा इस तरह का है, और खाने के लिए भी अभी यहाँ पर उत्तम व्यवस्था आपको मिलेगा, है ना भाई? क्या क्या है खाने के लिए? बड़ा है, समोसा है, चावल मिलेगा। अच्छा बढ़िया, दाल चपटी सब मिलेगा, मिक्सचर सेव सलोनी। अच्छा सब सब मिलेगा। हम के पास पहुँच गए हैं, और आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं, अगर ऊपर जाने देते तो और ज़्यादा अच्छा व्यू आपको दिखाता। देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। जैतखम के जस्ट सामने ही हैं, तो अभी सोचे थे कुछ, बहुत कुछ सोचे थे, अभिजीत भाई भी बहुत कुछ सोचे थे कि ड्रोन और एफपीवी को कुछ राउंड राउंड करें तो ऊपर टॉप पे जाते तो व्यू अच्छा मिलता ना। हाँ वो, बट अभी क्या है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, इस कारण से ऊपर जाने में दिक्कत है ना। बाकी लोग इतने सारे लोग हैं, आने जाने में दिक्कत होता है, इस कारण से उसको बंद कर दिया है। तो हम लोग यहीं से उड़ाएंगे, और इवनिंग हो गया है तो बहुत ही बढ़िया व्यू आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को।
तो अभी शाम हो चुका है और कितना बढ़िया लग रहा है, पूरा ब्लू ब्लू और लाइट तो भाई चार चांद लगा दे रहे हैं। आज से यहाँ पर ऊपर जाने को मिलता तो और ज़्यादा अच्छा लगता, पर बाहर से भी बहुत खूबसूरत है। इस तरफ से बहुत सारे लोग आए हैं, कोई फोटो शूट कर रहा है। अभी गेट बंद है इस साइड, बाकी नॉर्मल दिन में खुला रहता है, बट आज बंद है। तो कैसा सर्कल मारते हैं, बाकी दिन ये यहाँ पर पानी नहीं रहता, बट आज पानी है। फुहारे वगैरह भी चलते हैं, शायद चले। ऐसा ही चलते हैं। बहुत बढ़िया लाइटिंग भी किया गया है, अच्छा लग रहा है। तो बाबा लोग से बात करते हैं, कहाँ ले आए हैं बाबा? नवागढ़। मैं नवागढ़। अच्छा, तहे का? तहे बाबा? बिलासपुर धुरी पारा। अच्छा अच्छा, आप मन बाबा? नवागढ़ से। आप मन का? खुद का देवरी रिफन कर दो। अच्छा अच्छा, तो हर मेला में हर साल आता का? हाँ। अच्छा, आपन भी हर साल आता का? हाँ। अच्छा, हर साल आता मैं। तो तीनों दिन रुकिया कि एक ही दिन का? तीन दिन रुकिया। तो अभी तक मैं मंदिर नहीं गया हूँ, तो मंदिर चलते हैं, मंदिर साइड, और आपको दर्शन कराते हैं। रोड उड़ाते उड़ाते लेट हो गया हूँ, तो अब मैं निकल रहा हूँ मुख्य मंदिर की तरफ। तो भैया मंदिर की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड है, मतलब चलने की जगह नहीं है, इस तरह का है। तो यहाँ से एंट्री है, अंदर चलते हैं। जैसे कि अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं, जो मन्नत मांगे हैं वो लेटते हुए जा रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत लाइटों से सजाया गया है प्रवेश द्वार को, आप देख सकते हैं। तो बढ़िया लग रहा है। तो बहुत भीड़ है, देख सकते हैं। अंदर चलते हैं आपको लेकर। हेलो भाई, यहाँ का मुख्य मंदिर है। अभी गुरु घासीदास जी का जो ओरिजिनल चरण पादुका है ना, हाँ। उनका दर्शन करने को मिलता है। अच्छा, बाकी दिन नहीं रहता? अच्छा, से और भी छोटे छोटे मंदिर हैं, और एक यहाँ पर मंदिर है। और यहाँ पर गद्दी है,
पर पानी का इस तरह का बॉटल भी बिकते रहता है। अगर आप यहाँ का अमृत कुंड का पानी लेकर जाना चाहें तो लेकर जा सकते हैं। और मेले जैसा माहौल यहाँ पर अभी है, जबकि रात के 8 बज चुके हैं। 8 बजे इस तरह का माहौल है तो आप समझ सकते हैं, मतलब कितना बढ़िया है यार। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं चरण कुंड की तरफ, और यहाँ पर है चरण कुंड। अब बहुत बढ़िया यहाँ पर लाइटिंग वगैरह करके रखा गया है। ये चरण कुंड है। यहाँ पर है चरण कुंड। हम जा रहे हैं अमृत कुंड की तरफ, और बहुत ही बढ़िया लाइटिंग करके रखे हैं। मैं सोचा नहीं था कि इतना अच्छा लाइटिंग वगैरह, साफ सफाई ये सब होगा, मतलब एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा है। आप लोग अगर पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं से भी हैं तो ज़रूर ये मेला घूमने के लिए आए। ये 8 और 9 तारीख तक रहेगा। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अमृत कुंड के पास। ये अमृत कुंड, यहाँ से पानी लेकर बोतल में भर भर के लेकर जाते हैं। ये बिल्कुल अमृत के समान होता है यहाँ का पानी। किसी भी प्रकार का बीमारी होता है वो भी यहाँ पर ठीक हो जाता है। विगत 2 वर्षों से सर अभी कोरोना की वजह से मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा था, इस वर्ष हुआ है, तो किस तरह से इस बार आयोजन किया गया है? हाँ, मेले का आयोजन पिछले 2 वर्षों से सही में नहीं हो रहा था। इस वर्ष भी एक तरह से हम सांस्कृतिक कार्यक्रम को हमारे जगत गुरु जी ने रोक दिया है। ये नॉर्मल मेला है, सांस्कृतिक कार्यक्रम इस बार भी नहीं है, मंची कार्यक्रम नहीं है। अच्छा अच्छा, और इस बार अभी क्या क्या है? इस बार श्रद्धालुओं का देखिए आप तांता लगा हुआ है। आज इस मेला का शुरुआत है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज हमारा सप्तमी है। सप्तमी को हमारे यहाँ पालो चढ़ता है, उस दिन लाखों की तादाद में भीड़ होती, वैसा भीड़ आज हमें देखने को मिल रही है। मतलब अभी लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। इस 2 साल जो कोरोना महामारी को इनने झेला है, कई ने अपने रिश्तेदार खोया है, किसी ने परिवार खोया है, तो वो सब दुख तकलीफ को भुलाने के लिए गुरु जी के शरण में आए हुए हैं। तो मेला बहुत ही शांतिपूर्ण और बहुत ही बृहद रूप में चल रहा है। ये मेला कितने दिन तक चलता है? ये मेला 3 दिन तक चलता है। ये फागुन महीना के पंचमी, छठमी और सप्तमी को 3 दिन लगता है। तो पंचमी को विधिवत रूप से शुरुआत होती है। हाँ। उसके बाद पंचमी के दिन ही पचकुंडी और ये जो कुतुब मीनार से बड़ा जैत खाम जिसको कहते हैं उसमें पालो चढ़ाया जाता है।
दूसरे दिन छठमी के दिन छाता पहाड़ में पालो चढ़ाया जाता है और सप्तमी के दिन मेन गुरुगद्दी मंदिर के जतखा में पालो चढ़ाया जाता है, उसके बाद मेला का समापन हो जाता है। गिरौदपुरी का जो मेला है ये मत आस्था का सैलाब है। यहाँ यहाँ मनोरंजन का कोई साधन नहीं होता, कोई झूला नहीं होता, कोई पिक्चर वगैरह नहीं होती, ये सिर्फ आस्था के दम पे चलता है। इतना बड़ा मेला किसी एक पर्टिकुलर जगह में, एक स्टेट में कहीं भी भारत में नहीं होता। यहाँ लाखों की तादाद में आती है। आजकल तो यहाँ देश विदेश से भी हमारे श्रद्धालु आने लगे हैं और ये मेला 3 दिन तक चलता है जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी ने संदेश ही कुछ ऐसा दिए हैं कि इस मेला में बरबस लोग दौड़े चले आते हैं। गुरु जी का संदेश है मनखे मनखे एक समान। गुरु जी का संदेश किसी जाति पंथ धर्म के लिए नहीं है, गुरु जी का संदेश मानवतावादी संदेश है और इस मानवतावादी संदेश से हर मानव जुड़ा हुआ है। तो गुरु जी का संदेश को आत्मसात करने, ग्रहण करने देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और बाबा जी बहुत ही आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण थे। चमत्कारिक शक्ति उनके पास बहुत सारी थी, लोगों के दुख दर्द दूर किया करते थे और आज भी जो लोग मन्नतें मांगते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे जो कर नापते, जिसको भुइयां नापना कहते हैं, 3-3 किलोमीटर से कोई यहाँ तो 50-50 किलोमीटर से भुइयां नापते हुए आते हैं। ये ऐसा श्रद्धा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, हमारा वो छाता पहाड़ है, छाता पहाड़ के साइड में जो साधु संत होते हैं, आप वहाँ जाके देखिए 3 दिन कोई 5 दिन के लिए समाधि, मतलब जमीन के अंदर गड़े रहते हैं वो। अच्छा। और 3-5 दिन बाद सकुशल निकलते हैं। तो ये आस्था और विज्ञान चमत्कार सबका मिला जुला एक संदेश है। मतलब मानव को हकीकत में मानव का नजदीक, मानव को मानवता के नजदीक लाने वाला ये गुरुजी का संदेश है। ये बहुत ही आज फल फूल रहा है गुरुजी का विचार और हम धन्य है कि उसके कुल में जन्म लिए। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की। बोलिए बाबा गुरु घासीदास की जय। संसार में गुरु बाबा जब आए ना तो ये मानव जीवन जो नदी में पड़े है ते गुरु जी के नाम लेके रोए लगी। हे बाबा हमर हंसल अपार कर दे आके, मुक्ति करके ले जा। तो बोले लगी हे बाबा ये संसार में हमर नाव लपार लग गया कोई नहीं है। अब तो खोके लगा देना पार गहिरी नंदी नाव झुली हो। बाबा खोके लगा देना पार गहिरी नंदी नाव झुली हो। जमराजा के दरबा जमे भाई जमराजा के दरबा जमे जहाँ अग्नि के खम गड़ाए गुरमुखा गुरमुख पार हो गए। जी हाँ न्यंगुरा हमारा तब हो जाए खोके लगा देना पार। जमराजा के दरबा जमे भाई जमराजा के दरबा जमे भाई जहाँ लोहा के काट पिटाए गुरमुखा गुरमुखा पार होवे। जी हाँ न्यंगुरा गमरा तटो भाई खोके लगा देना पार। ए हंसा रोवा थे बाबा ये सब बैतरणी नदी हमला पार करके और तोर नाम के अमृत दे के हमला खो के पार कर दे बाबा पार कर दे। बोली बाबा गुरु घासीदास की। दूर दूर से जो श्रद्धालु आए हुए हैं वो यहीं पर रुके हुए हैं, यहीं पर सो रहे हैं, देख सकते हैं। और ये पूरे 3 दिन तक यहाँ पर रुकते हैं, पूरा मेला में यहाँ पे आस पास जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर जाते हैं। छाता पहाड़ है, जोक नदी है, वहाँ सब जाते हैं।